रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवाद संबंधी घटनाओं पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इसी बीच जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना के 48 राष्ट्र राइफल्स के एक कैप्टन शहीद हो गए, ये जानकारी सेना की ओर से दी गई है। वही अधिकारियों का कहना है कि 4 आतंकवादियों के मारे जाने की आशंका है। सुरक्षा बलों ने शिवगढ़ अरसर बेल्ट में छिपे आतंकवादियों के ग्रुप को घेर रखा है। साथ ही साथ इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। घने जंगल होने की वजह से जवानों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक एनकाउंटर के दौरान एक सिविलियन भी घायल हुआ, जिसका इलाज किया जा रहा है। वहीं जवानों को आतंकियों के कब्जे से AKM, 4 राइफल और 3 बैग मिले हैं। ये मुठभेड़ बीते दिन पटनी टॉप से सटे जंगल अकर इलाके में शुरू हुई थी। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन अरसर रखा है। एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादी अरसर में एक नदी के पास छिपे हुए हैं। सुरक्षा बलों और दहशतगर्दों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। रात के समय भी जवानों में मोर्चा संभाले रखा। दिन के उजाले होते ही तलाशी फिर से शुरू हो गई। आज सुबह करीब 7:30 बजे फिर से गोलीबारी शुरू हो गई थी। सूत्रों के अनुसार सियोजधार क्षेत्र में मौसम खराब होने के चलते धुंध इतनी ज्यादा थी कि 2 फुट की दूरी तक देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। इसके चलते सुरक्षा बलों को तलाशी अभियान में परेशानी आई। आतंकियों के निकलने के बाद सुरक्षा बलों ने डोडा की तरफ सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया। एक हफ्ते पहले भी डोडा बसंतगढ़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी हुई थी, तब भी आतंकी भाग निकले थे। हफ्ते भर से सुरक्षा बलों ने जंगल में ही इन आतंकियों को घेर कर रखा था, लेकिन खराब मौसम इन आतंकियों की ढाल बन रहा है। इधर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर दिल्ली में हुई लेवल बैठक में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी, सैन्य संचालन महानिर्देशक लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों के प्रमुख मौजूद रहे। ये बैठक साउथ ब्लॉक में हुई है। यह घटनाक्रम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले हुआ है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इससे पहले 10 अगस्त को अनंतनाग में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए थे और एक नागरिक की मौत हो गई थी। अनंतनाग के कोकरनाग क्षेत्र में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की ओर से शुरू किए गए संयुक्त अभियान के दौरान मुठभेड़ शुरू हुई थी। हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण शर्मा ने अनंतनाग में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी और भारतीय सेना के सभी रैंकों ने मुठभेड़ के दौरान जान गंवाने वाले हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण शर्मा को श्रद्धांजलि दी थी। जुलाई में गृह मंत्रालय ने लोकसभा को बताया था कि इस साल 21 जुलाई तक 11 आतंकवाद संबंधी घटनाओं और 24 आतंकवाद विरोधी अभियानों में नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों सहित 28 लोग मारे गए।